अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही ब्यूटीफाई बाय आमना से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। एक था ओ माई ब्लश इनका, दूसरा है इनका रेडियंट फाउंडेशन। इस बार मैंने 01 शेड ऑर्डर किया है। पैकेजिंग इनकी सेफ एंड सिक्योर थी। लेट्स सी कि प्रोडक्ट अंदर से कैसा है, क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट मोस्टली टूटे मिलते हैं। ये बाहर जो है पैकेजिंग दिखा रही हूँ, इसकी जो है इंग्रेडिएंट डिटेल है सारी। और ये शेड जो है मैंने 01 इस बार ऑर्डर किया है। ये कुछ इस तरह है फ्रॉस्ट ग्लास से। अच्छा, ये देखें तो फिर ये एक बार लीक हो गया है, मगर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि ऊपर से सील था इस वजह से, वरना ये सारा जो है वेस्ट हो जाता है। ये जो है इनकी इंग्रेडिएंट डिटेल है और ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना स्टे करता है और बाकी सारी डिटेल ये तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। मैंने अनसील कर दिया और एक थ्रिली से आपको एक स्वाच दिखा देती हूँ। अच्छा, 01 जो है वो भी इसमें भी येलो टेंट है। ये पीच या कूल अंडरटोन में नहीं है, ये भी येलो है। ये देखें, आपको जो है वो फ्लैश लाइट में क्लियरली नज़र आ जाएगा, बिल्कुल भी ये वाइट नहीं है, इसमें भी येलो टोन है। फिर कम्प्लेक्शन वालों की तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी कि इतना स्टेइंग पावर कितना है, बिल्डेबल है तो कितना ये कवरेज देता है, कितनी कवरेज नहीं देता है, इसकी स्टे टाइमिंग कितनी है, स्वेट प्रूफ है नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ है, सारी डिटेल मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मेरे पास पहले 03 शेड था, मैंने 01 ऑर्डर किया है। होपफुली ये और शेड इंक्लूड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।